हेलो गाइस, एजीएस नाइन एनएस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस नए वीडियो में आपको बताऊंगा, वन प्लस नॉर्ड की तरफ से एक नया स्मार्टफोन आ रहा है जिसका नाम है वन प्लस नॉर्ड 2T 5G। तो यह स्मार्टफोन कैसा है कैसा नहीं है लगभग इस वीडियो में आपको बताऊंगा और कुछ स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। अभी यह स्मार्टफोन आया नहीं है, मतलब कुछ चीजें बताई गई है हमें या पेज पर अवेलेबल है, तो वो सारी चीजें मैं आपको जैसे कि कह रहा कि उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं वन प्लस नॉर्ड 2T का जो 5G स्मार्टफोन है। तो जैसे कि ना स्मार्टफोन ठीक है, अच्छा खासा है और अच्छा खासा वैसे तो डिजाइन भी ठीक ठाक है। तो जैसे कि आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लेडी है स्मार्टफोन पकड़ी हुई है, तो शायद ये जो कलर है हल्का सा लाइट ब्लू कलर का है, हल्का सा लाइट वाला, तो कलर ठीक है और अच्छा खासा है। और जैसे कि आया नहीं है स्मार्टफोन, अभी जैसे कि आने वाला है, अब कब आएगा शायद ये मुझे नहीं पता, शायद अगस्त या नवंबर के महीने में आएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं डिजाइन हिसाब से तो मोबाइल फोन ठीक लगेगा। और जैसे कि ना ये भी बताया गया है इस मोबाइल फोन में ना जो एडाप्टर होगा, मतलब कि 80 वाट का होगा, मोबाइल फोन काफी फास्ट चार्ज हो जाएगा। और इस मोबाइल फोन में ना आपको जो कैमरा मिलेगा, कैमरा वो सिर्फ 50 मेगापिक्सल का होगा। इसमें जो सेंसर होगा लगभग सोनी का होगा। तो यहाँ पर वो सारी चीजें आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं IMX766 का सेंसर जो कि सोनी का होगा। मतलब ये ऐसे ऐसे जब वीडियो हिलता है तो मतलब वो होता है ना स्टेबलाइजेशन, जो कि कैमरा को इतना हिलने नहीं देता, मतलब कि एकदम अच्छा से वीडियो रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर वो भी देख सकते हैं। और जैसे कि उससे जो उसका आपको आर्ट वर्क दिख रहा है ये भी काफी बढ़िया है, जो कि इसी स्मार्टफोन से लगभग लिया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है जो इस मोबाइल फोन में चिपसेट होंगे लगभग 1300 तक होंगे, और इसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर होगा जो कि डायमेंसिटी 1300 लगभग होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस मोबाइल फोन का वैसे डिजाइन तो काफी बढ़िया है। और जैसे कि ना इसमें ये बताया गया है, जैसे इस मोबाइल फोन में ना तीन कैमरा होगा, एक जैसे कि कैमरा वाला होल तो दो ही बना होगा, एक कैमरा एक ही कैमरा होगा और दो कैमरा एक ही कैमरा की मतलब कि शेप में होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि इसमें आपको ऑक्सीजन OS मिलेगा, जबकि इसका एंड्रॉइड वर्जन 12.1 पर बेस्ड है, जो कि यहाँ पर बताया गया शायद इसमें अपडेटेड देखने को मिले वन प्लस नॉर्ड 2T के 5G स्मार्टफोन में। और जैसे कि डिजाइन भी देख सकते हैं, कुछ चीजें हमें दिखाई गई हैं। और फ्रंट में जो कैमरा होगा वो कैमरा आपको डॉट वाला देखने को मिलेगा कॉर्नर पे एक साइड में, तो ये भी लगभग आप देख सकते हैं। तो लगभग मोबाइल फोन ठीक है, अच्छा खासा है। जैसे कि ये आपको दोनों कलर दिख रहा है, इसका दो वेरियंट होगा, जैसे कि ये लाइट ब्लू है और एक ब्लैक वाला है और डार्क ब्लैक वाला, तो वो भी लगभग ठीक ठाक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जैसे कि ना इस मोबाइल फोन में ना मैंने देखा था जो बैटरी होगा ज्यादा MAH की नहीं होगी, लगभग 4500 mAh ही होगी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे लगभग बैटरी मामले में अगर मोबाइल फोन ठीक होगा तो 4500 mAh की बैटरी है, काफी ठीक और तगड़ी होगी। और मैंने ना वीडियो में देखा था, जैसे कि काफी सारी चीजें इसमें मतलब ज्यादा डिजाइन ही में दिखाए गए थे मोबाइल फोन की, वन प्लस नॉर्ड 2T का जो 5G स्मार्टफोन है, बट डिजाइन दिखाया गया था और मोबाइल मतलब पूरा शो ऑफ था। तो जैसे कि मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, बस आप देखिएगा, तो मैं उसे क्लिक करने वाला हूँ, तो बस क्लिक करता हूँ। तो लगभग आपने देखा था जो मैंने ये वीडियो दिखाया था वन प्लस नॉर्ड की तरफ से था। तो जैसे कि इसी स्मार्टफोन के बारे में बताया था 2T 5G स्मार्टफोन के बारे में,
तो जैसे कि इसमें कैमरा का आपने सेव देखा था, और जैसे कि जो इसका 3D एनिमेशन है ये भी लगभग काफी बढ़िया बनाया गया है वन प्लस नॉट की, जो भी वन प्लस कंपनी है उसकी तरफ से काफी बढ़िया बनाया गया है। तो जैसे कि मोबाइल फोन ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, और इसमें जैसे कि मल्टी टास्किंग है, मतलब कि वैसे बहुत सारे एंड्रॉइड मोबाइल फोन होते हैं जिसमें मल्टी टास्किंग अवेलेबल होता है, लेकिन वह उसका प्रोसेसर प्रोसेस नहीं कर पाता। इसमें आपको जो मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलेगा डायमेंसिटी 1300 पर बेस्ड होगा, मतलब बहुत तगड़ा काम करेगा ये मोबाइल फोन। तो प्राइस भी काफी तगड़ा होगा, मतलब कि 50,000 से प्लस हम मान सकते हैं। और जैसे कि तो इसका शायद वेरिएंट ना मुझे लगता है 8 GB और 128 GB, और या तो 8 GB प्लस 256, और दूसरा जो वेरिएंट होगा इसका 12 GB और 256, या तो 512 GB तक होगा। तो लगभग ठीक ठाक मोबाइल फोन है, और जैसे कि इसमें आपको एडाप्टर भी मिल रहा है 80 वाट, तो अच्छा खासा मोबाइल फोन है, और डिजाइन में भी ठीक ठाक है। तो मेरे ख्याल से ठीक है, जब आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा इस वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भेजना, और चैनल पे नया हो तो प्लीज रेड कलर का बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना, और मुझे प्लीज सपोर्ट करना, और यह वीडियो अपने दोस्तों यारों को भेज देना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज।